लोगों में कितना भारी उत्साह है। डेली सैकड़ों और हजारों लोग जो शामिल हो रहे हैं, प्रोमिनेंट आदमी, सरपंच साहिबान, हमारे जिला परिषद के, नगर पालिकाओं के पार्षद, और बीजेपी को आम आदमी पार्टी, जेजेपी, इनेलो, इनको छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बहुत एकदम जुनून सवार है इस भाजपा के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए। लोग तैयार बैठे हैं और इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन से डेट अनाउंस की है, पूरी तरह से लोगों के अंदर गजब का उत्साह है। और सारे जो है ना बीजेपी से छोड़ छोड़ करके हमारी पार्टी में आ रहे हैं, तो ये एक संकेत है कि बीजेपी भाग रही है और कांग्रेस जबरदस्त तरीके से आ रही है। आने वाला समय कांग्रेस 2/3 से अधिक बहुमत, 70+ सीट लेकर के कांग्रेस पार्टी सरकार बनाई। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी। असीम गोयल को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है सामग्री बांटने को लेकर, क्या कहेंगे? बहुत, ये तो इलेक्शन कमीशन में लगता है कि कुछ रीढ़ की हड्डी कुछ अभी बकाया है। ये तो डेली आचार संहिता का प्रतिदिन उल्लंघन चल रहा है। सारे प्रदेश में जिस तरह से इनके आज भी प्रचार के जो बोर्ड और जो बैनर और जिस तरह से चल रहे हैं, कोई विपक्ष का नजर आ जाए तो उनको ये बुला लेते हैं, उनको गिरफ्तार भी करने की बात करते हैं। और इन्होंने असीम गोयल को अगर कोई नोटिस दिया है तो ये भी लगता है कि कोई खाना पूर्ति के लिए दिया होगा। एक्शन क्या लेते हैं वो बताएगा। लेकिन एक पत्र इलेक्शन कमीशन को भी लिखा गया है जो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भड़ोली की तरफ से, कि जो चुनाव है उनकी तारीख को आगे या पीछे कर दिया जाए, क्योंकि उस समय लंबा वीकेंड है, चुनाव मतदान जो है वो काफी कम हो सकता है। इनसे इनका ये कि भाग रहे, इन्होंने हार मान ली। इनका प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं चाहता कि चुनाव हो, और इनका एक मंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर है जेपी दलाल, वो कहता है कि सरकार तो कांग्रेस की आ ही रही है पर हम इसे चलने नहीं देंगे, 6 महीने में सरकार को गिरा देंगे। उससे पता लगता है कि इनकी मेंटेलिटी, इनकी सोच क्या है, ये किस तरह से लोकतंत्र के लिए खतरा बने हुए हैं, किस तरह से संविधान के लिए खतरा बने हुए हैं। इनकी सोच यह है कि जनता चाहे बेशक कांग्रेस की सरकार बनाए, लेकिन हम उसे 6 महीने के अंदर गिरा देंगे। ये इस बात का संकेत है कि ना ये संविधान को मानते हैं, ना ये लोकतंत्र को मानते हैं। इस देश में अघोषित इमरजेंसी जो लगा रखी है, ये उस पर चलने वाले हैं, और देश को सवाय बांटने के इनके पास कोई मुद्दा नहीं। ये अलग अलग अपनी पार्टी के फैसले हैं। अगर किसी विधायक के खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा कोई एंटी इनकम्बेंसी है, कोई ऐसा कोई कारण है कि जिससे कि जनता बहुत नाराज है, तो कट भी सकती, क्यों नहीं कट सकती। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।